न्यूज चैनल SWN। तो क्या आप जानते हैं कि रमजान के 30 रोजे रखने से हमारे शरीर पर क्या असर होता है? इस पर जापानी साइंसदान ने एक बड़ी खोज की है, इसका जानना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। जापानी बायोलॉजिस्ट योशोनोरी अशोमी एक साइंसदान है जिनको 2016 में मेडिसिन पर नोबल प्राइज दिया गया। उनसे जब पूछा गया कि आपने कौन सी ऐसी चीज बनाई है जिसकी बिना पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबल प्राइज दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कैंसर की मुमकिन दवा खोज ली है। और इस बात पर दुनिया ने बड़े पुरअंदाज में उनकी काबिश को सराहा और मुबारकबाद दी गई। इसके बाद डॉक्टर योशोनोरी अशोमी ने कहा कि मैंने कैंसर की दवा नहीं बल्कि कैंसर से बचाव का हल तलाश कर लिया है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि बताइए ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं तो हमारी बॉडी में मौजूद गजाइत खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म भूख महसूस करता है। अगर इस भूख के दौरान जिस्म तक खाना ना पहुंचे तो हमारा जिस्म भूख की शिद्दत की वजह से अपने अंदर मौजूद उन जहरीले सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। इस अमल को मेडिकल की लैंग्वेज में ऑटोफेगी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म ऐसे बीमार सेल से पाक हो तो आपको भूखा रहना चाहिए। जब ऐसे सेल्स मरना शुरू कर देते हैं तो कैंसर का परसेंटेज कम हो जाता है। इसके बाद जापानी साइंसदान से पूछा गया कि इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर 20 से 25 दिन कम से कम और 9 से 10 घंटे भूखा रहा जाए तो उसकी बॉडी ऐसे तमाम जहरीले सेल्स को खा जाएगी और उसमें कैंसर नहीं होगा। ऐ मेरे प्यारे रब्बे करीम, आज हमें समझ आया कि मोमिन पर रोजे क्यों फर्ज किए गए। और आज मुझे उस अहादीस पाक की भी समझ आ गई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है। सुभानअल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे सच्चे दीन पर जिसने इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। दोस्तों, इस्लाम वो दीन फितरत है जो जिंदगी के हर शोबे में राह एतदाल की तालीम देता है। इसलिए आज न सिर्फ मगरिब में ज्यादा खाने को नापसंद किया जाता है बल्कि इसे इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह समझा जाता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इसके अलावा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाओ पियो और पहनो और खैरात करो बगैर फजूल खर्ची और तकब्बुर किए। दोस्तों, इंसान को खाने की सिर्फ थोड़ी सी मकदार की जरूरत है जो इंसानी जिस्म में तवानाई पैदा कर सके, जितनी तवानाई इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है और जिससे उसकी सेहत अच्छी रहे और वो अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पूरी कर सके। इंसानी जिस्म को जितना खाने की जरूरत है उससे ज्यादा जिस्म में दाखिल होने वाला खाना चर्बी बन जाता है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म बढ़ जाता है, उसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है और वो बहुत ज्यादा थकन महसूस करने लगता है। इसके अलावा इंसानी जिस्म बहुत से अमराज का शिकार भी हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए ताकि 11 महीनों के दौरान खाने पीने की बेहतियाती का अजाला हो सके। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोजे रखने का हुक्म इन अल्फाज में बयान फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले पर रोजे फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। दोस्तों, कुरान मजीद में बीमार और मुसाफिर के लिए रोजे मुअख्खर करने और जो रोजा ना रख सके उनके लिए फिदिया अदा करने का हुक्म दिया है। इसके बाद रोजा रखने की हिकमत इन अल्फाज में बयान फरमाई, और तुम्हारे लिए रोजा रखना ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। दरअसल यहाँ ये बताया गया है कि अगर तुम मौजूदा इल्म को समझते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम रोजे रखो, क्योंकि रोजा अपने अंदर बेशुमार रूहानी, नफ्सियाती और तिब्बी फायदों को रखता है। रोजे की तिब्बी अफादियत की तरफ निहायत मुख्तसर मगर जामे इशारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाजों में बयान फरमाया, रोजे रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने और सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए।